हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। इस वीडियो में मैं एक CD4047IC का यूज़ करके 500 वाट इन्वर्टर बनाऊंगा। ये इन्वर्टर से आप फैन, टीवी, 200 वाट बल्ब, एलईडी बल्ब, सोल्डरिंग आयरन सब कुछ चला सकते हैं। और इसके लिए मैं यूज़ करूंगा एक UPS का ओल्ड ट्रांसफार्मर। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगा एक 0 PCB, उसके बाद LED, CD4047IC, IRA540N MOSFET, एक कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरड, एक रेजिस्टेंस 220K, एक रेजिस्टेंस 10K, कूलिंग फैन ये ऑप्शनल है, और एक वोल्ट मीटर, एमीटर ये भी ऑप्शनल है। चलिए सब कुछ बना लेते हैं एक साथ। और एक वायर, चलिए हीट सिंक भी लगेगा आपको, और माइका, दो माइका लगेगा यहाँ पे हीट सिंक पे। और ये UPS का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ मैं, पुराना। ये UPS का ट्रांसफार्मर 06 वाइंडिंग का था, मैंने इसको सेंट्रल टैप बनाया है। आप इस पर नॉर्मल इन्वर्टर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लोड देता है, 500 वाट का लोड अच्छे से देता है। चलिए हीट सिंक को टाइट कर लेते हैं 0 PCB के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट सर्किट डायग्राम और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं इसको। चलिए इसको हीट सिंक को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और MOSFET को लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो MOSFET को डायरेक्टली हीट सिंक के साथ कस रहा हूँ, और दो MOSFET को माइका के साथ सेपरेट कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे दो अलग अलग हीट सिंक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही हीट सिंक का यूज़ किया है, इसलिए माइका सीट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो दो अलग अलग हीट सिंक का यूज़ करके माइका सीट नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से माइका को लगा देना है और नट को अच्छे से कस देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट होता है ये MOSFET जब काम करता है, क्योंकि इससे करंट बहुत ज़्यादा जाता है, अप्रोक्स 10 एम्पियर भी जा सकता है। तो अच्छे से कस देना है। उसके बाद 22K दो रेजिस्टेंस, दोनों चैनल के MOSFET के गेट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ये आपको गेट को ड्रेन, मतलब गेट को डिस्चार्ज करने के लिए काम में आएगा। उसके बाद IC को PCB में लगा लेंगे, 4047 IC। उसके बाद एक डायोड लेंगे इनपुट में, IC के पॉजिटिव सप्लाई के इनपुट में, ये आपका रिवर्स पोलैरिटी से प्रोटेक्शन करेगा IC को। उसके बाद एक नोटिफिकेशन के लिए LED, उसके बाद 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा देंगे, और एक 220K का रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये दोनों LC सर्किट से ही आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब आउटपुट का फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट के वैल्यू से ही आपका आउटपुट का फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 Hz आप चाहते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट को आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर भी लगाया हुआ है, इससे आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। आउटपुट को, दोनों आउटपुट को, क्यू और क्यू बार को, दोनों MOSFET को ड्राइव के इनपुट में, मतलब गेट में 500 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये MOSFET का इनपुट सिग्नल हो जाएगा। और दोनों नट बोल्ट से टर्मिनल को कस देंगे, क्योंकि इस पर इनपुट बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए इनपुट को, मतलब इनपुट में बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर नट बोल्ट से यूज़ कर रहे हैं, वायर भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट को, 12 VDC पॉजिटिव, नेगेटिव 12 VDC। उसके बाद कट कर लेंगे सारे वायर को, सारे कंपोनेंट के लेग को अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद पेस्ट लगा लेंगे सब में, अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे MOSFET के लेग को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। और इस
किसी के साथ किसी का शॉटिंग नहीं रहे ये देख ले रहा है। यानी मैं सब सब कुछ शॉटिंग कर ले रहा हूँ परफेक्ट। ये सॉलिड कॉम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके साथ ट्रांसफार्मर का जो 12 और 12 वाला वायर है उसको मॉस्फेट के दोनों चैनल पे लगा ले रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो 0 वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव 12 वोल्ट के साथ लगा ले रहा हूँ। हाँ, ये एक हाफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज फुल वेव इन्वर्टर है। चलिए इसके इनपुट में जो डीसी वोल्टेज आ रहा है इसको मेजर कर लेते हैं। मैं एक 12 वोल्ट 32 एम्पीयर एक्साइड बैटरी से चल रहा हूँ तो 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब ऑन कर लेते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं कैसा लाइट है इसका। आप देख सकते हैं थोड़ा मैं लैब का लाइट ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये आप देख सकते हैं ये लाइट बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एसी मेन में होता है उससे भी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही अच्छा लाइट देखने को मिल रहा है हमें, एकदम हर तरफ वाइट वाइट हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा से लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका लाइट आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक 200 वाट का लैम्प भी इस पर लगाऊँगा। 100 वाट का लैम्प ये था और एक 200 वाट का लैम्प लगाऊंगा। चलिए चेंज कर लेते हैं 200 वाट लैम्प को। ये है 200 वाट का लैम्प, इसको मैं लगाता हूँ, देखते हैं इससे कैसा लाइट निकलता है। चलिए लैब का लाइट मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ये 200 वाट का है। कंप्लीट जल रहा है, मतलब ये इन्वर्टर कम्प्लीटली वर्क कर रहा है परफेक्टली। आप लाइट देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट है। आप ये इसको घर पे बनाना चाहते हैं तो बेफिक्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। आप इसके साथ पैरेलल मॉस्फेट ऐड करके इसका वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं और ट्रांसफार्मर का साइज करके। चलिए फैन चला के देख लेते हैं कि ये लाइट तो जलता है सभी इन्वर्टर पे, फैन चलता है कि नहीं। चलिए फैन चला के देख लेते हैं। मैं पहले इन्वर्टर को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद फैन के प्लग को लगाता हूँ, देखते हैं फैन चलता है कि नहीं, परफेक्टली 50 हर्ट्ज बन रहा है कि नहीं फ्रीक्वेंसी। ये आप देख सकते हैं फैन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है फुल स्पीड में। आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका। मेरे पास एक 200 वाट का फैन है, ये परफेक्टली चल रहा है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल या सुझाव है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय।